बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी सीमा पर जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे और इसके लिए वो जैसलमेर बॉर्डर पर आ रहे हैं। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी तनोट माता के दरबार में भी हाजिरी लगा सकते हैं। तो दिवाली पर जैसलमेर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी होंगे। हर साल सीमा पर जवानों के संग दिवाली मनाई जाती है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी तनोट माता में आस्था भी रखते हैं और अगर वो जैसलमेर आते हैं जवानों के साथ, अगर वो दिवाली जैसलमेर में मनाते हैं तो फिर मानकर चलिए कि तनोट माता के दर्शन करने भी प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। आपको बता दें कि तनोट माता का जो मंदिर है उसकी सुरक्षा, उसकी पूजा, उसकी व्यवस्था ये जिम्मेदारी सेना संभालती है। एक तरीके से उस इलाके में सेना के लिए संरक्षक की भूमिका में मां तनोट है। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जितने गोले मां तनोट के मंदिर के परिसर में गिरे एक भी फटा नहीं था। वो सारे गोले आज भी मौजूद हैं, तनोट माता मंदिर के अंदर मौजूद हैं और इसलिए मां के मंदिर की सुरक्षा सेना के जवान करते हैं और सेना के जवानों की सुरक्षा मां तनोट करती है। तो प्रधानमंत्री मोदी हर साल दिवाली के मौके पर सेना के जवानों के बीच होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। अभी तक जो तस्वीरें नजर आती थी उसमें चारों तरफ आपको बर्फ के पहाड़ नजर आते थे और बर्फ के पहाड़ों के बीच में प्रधानमंत्री सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते नजर आते थे। लेकिन आज तस्वीर आएगी कि चारों तरफ रेत के धोरे होंगे और जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने के लिए राजस्थान के बॉर्डर पर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आएंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, जानकारी आपसे चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम तय हो चुका है? आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आज दीपोत्सव का पर्व है और दीपोत्सव को पर्व को लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आज मुख्य अच्छी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर आ रहे हैं और ये जैसलमेर में भी चर्चा का विषय है, वो काफी बन रहा है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अब आज का जो कार्यक्रम है अभी से एक घंटा और डिले बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से जो विमान है वो एक घंटा लेट उड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फॉग है वो फैला हुआ है, इसको लेकर जिस तरीके से तमाम रूप से जो यहाँ पर जैसलमेर में अभी पुलिस विभिन्न चौराहे पर अलर्ट हो गई है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी के आज का जो कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन में उतरेंगे, वहाँ पर वायुसेना के जो अधिकारी है या आर्मी के अधिकारी है, बीएसएफ के अधिकारी है, तमाम जो प्रधानमंत्री का है वो स्वागत करेंगे और दीपोत्सव की बधाई देंगे। उसके साथ प्रधानमंत्री का वायुसेना के एक स्कूल में भी कार्यक्रम बताया जा रहा है जहाँ वायुसेना के जवानों को वो संबोधित कर सकते हैं। वहीं साथ ये प्रोग्राम बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सीडीएस प्रमुख और सेना प्रमुख है वो साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ रहे हैं और कई जो सैन्य अधिकारी हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं, वायुसेना अधिकारी हैं, वो जैसलमेर देर रात तक है वो पहुंच चुके थे। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री हर साल जिस तरीके से हर दिवाली भांति भांति अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जिस तरीके से पिछली बारी जिससे जवानों के साथ दिवाली बनाई थी, जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो जवानों के साथ अपने घर परिवार से मानते हुए उनके साथ दीपोत्सव का पर्व बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस बार
राजस्थान के जैसलमेर को चुना है जो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवमयी की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसलमेर आने को लेकर जिस तरीके से सैन्य अधिकारी का सूत्रों का कहना है कि कई दिनों से वो तैयारियां हैं वो कर रहे थे, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जैसलमेर के जो फॉरवर्ड एरिया है लोंगेवाला क्षेत्र के आसपास उनका जो दीपावली का है वो पर्व का आयोजन है वो रखा गया है, जहां वो सेना के जवानों का बीएसएफ के जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। और जिस तरीके से जैसलमेर भारत पाक सीमा से सटा है, बहुत ही पूरे पश्चिमी सीमा की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती जैसलमेर की पड़ती है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश देंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। बिल्कुल सूर्यवीर, लोंगेवाला में कार्यक्रम की जानकारी आपने दी, तो मानकर चले फिर तनोट माता के दर्शन के लिए भी वो पहुंचेंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर जैसलमेर को चुना गया है तो फिर संदेश ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूर्ण रूप से कार्यक्रम है वो बिल्कुल गुप्त रखा गया है। जैसलमेर के जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, वो अलर्टनेस पर खड़ी तो है, लेकिन उसको किसी भी तरह से आधिकारिक ऑर्डर नहीं मिले हैं, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम है वो सैन्य अधिकारी है वो इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं और कई दिनों से अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसलमेर आने का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सैन्य अधिकारी उसको पूरा प्रबंध कर रहे हैं। और जिस तरीके से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर लगातार से वायु सैनिका का, सैन्य अधिकारियों का और बीएसएफ अधिकारियों का जो आवागमन है वो भी शुरू हो चुका है और लगातार कई अधिकारी है वो जैसलमेर के वायु स्टेशन पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल जिस तरह से कार्यक्रम है उनको गुप्त रखा गया है कि कहां जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन सैन्य अधिकारियों और सूत्रों के अनुसार जानकारी ये मिल रही है कि लोंगेवाला के किसी आसपास के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है वो पूरा अरेंजमेंट किया गया है, जहां सेना के जवान बीएसएफ के जवानों के साथ वो दीपोत्सव का परिवार बनाएंगे, क्योंकि जो जवान है वो घर परिवार से दूर रहते हैं और उनकी की वजह से ही हम सुरक्षित रूप से दीपोत्सव का त्यौहार है वो बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से बनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने पूछा भी आपसे कि क्या वो तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे, क्योंकि वो एक गहरी आस्था रखते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तनोट माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है, लेकिन जिस तरीके से तनोट माता का मंदिर है वो अभी वहाँ से बहुत लोंगेवाला से कम 40 किलोमीटर दूर है, तो अभी सैन्य सूत्रों से जानकारी ये मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तनोट बनने का कोई कार्यक्रम नहीं बन सकता है, उनका सिर्फ हवाई मार्ग का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि अगर तनोट जाएंगे तो तनोट जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तनोट जाने का कोई कार्यक्रम है वो उनका नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि लोंगेवाला क्षेत्र के साथ जवानों के साथ दिवाली बनाएंगे, जहां सीडीएस और सेना के प्रमुख तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से वापस एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ने के लिए वापस